हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं भी बढ़िया नहीं हूँ इस वक्त, क्योंकि अपनी जो कैपेसिटर धन्नो है उसकी टैंकी लीक कर गई है। क्यों लीक कर गई, कैसे लीक कर गई मुझे बिल्कुल नहीं पता। फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है उसमें। ये देखो, खड़े खड़े ये आलम है जी, देख रहे हो। तो यहाँ कहीं से टंकी में अंदर से रस्ट लगा, रस्ट लगने की वजह से पानी ने जंग बनाया, जंग बनाकर फिर जो है यहाँ से जगह बना के ये होल सा हो गया। बहुत माइनर सा होल है जिसकी वजह से पेंट देख रहे हो सारा जल गया। ये देखो उतर के आ रहा है नीचे, ठीक है जी। तो कुल मिला के भाई बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि यार ये क्या हो गया। अब सलीम भाई से बात करिए, मैंने उनको वीडियो बना भेजी, वो कह रहे भाई टंकी गल गई है यहाँ से, तो वेल्डिंग करानी पड़ेगी। लेकिन ना मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं इस टंकी को रिपेयर कराऊं, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि टंकी रिप्लेस करके दूसरी बाइक की टैंक लगाऊं। बिकॉज इधर भी देखो हल्का सा ना, ये देखो दिख रहा है आपको, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं इस टैंक के अंदर ना कमी आ रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। फ्यूचर में दिक्कत ना हो इस वजह से सोच रहा हूँ टैंकी रिप्लेस कराऊँ। बाकी नीचे वजह से फिलहाल तो इसको खोलेंगे हम, और खोलने के बाद देखते हैं नीचे वजह से कहीं और से गल रही है कि नहीं गल रही। अगर ज़्यादा डैमेज होगी तो भाई मैं टंकी रिप्लेस करा दूंगा, और अगर यही खाली पार्ट है मतलब इतना सही, तो फिर इसको रिपेयर कराएंगे, ठीक है ना। बने रहो इस वीडियो के अंदर, पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी बड़ी दुखदायक वाली बात है भाई साहब, मूड सा ख़राब हो गया जब गौरव ने दुकान खोली, यहाँ से टिप टिप बरसा पेट्रोल तो वो चीज़ है। फिलहाल लेके चलते हैं खोल के सलीम भाई के पास, बने रहना आप। ये भाई सीट बाहर निकाल दी, सही हो बाहर नंबर की डी रे है उसके अंदर पेट्रोल है। तो भाई इसका पेट्रोल हमने सारा निकाल लिया, लेकिन अभी तो पेट्रोल बाकी है। मैं काला दिख रहा हूँ, गोरा दिख रहा हूँ? सही दिख रहे हो। इधर आया तो इधर से इधर से गोरा दिखूंगा भाई, सवाल है ना कुछ। तो इसके अंदर पेट्रोल बहुत सारा है, ठीक है जी। अभी भी और मतलब करीब करीब निकला है, तीन चार साढ़े चार पाँच लीटर तेल निकला है, मतलब छः साढ़े छः लीटर तेल घर में, जिसमें अभी इसमें और भी है। तो पहले खाली कर लेते हैं, फिर फहीम भाई के पास छोड़ेंगे, वो वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करने के बाद फिर सलीम भाई के पास जाएगी, फिर पूरी टंकी जो है वो रिपेयर होगी। अब देखना ये कि ज़्यादा रिपेयर होने वाली है कम, अगर ज़्यादा होगी तो मैं टैंक को रिप्लेस कर दूंगा, किसी और बाइक का टैंक डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि बाद में फिर दोबारा यही सेम हमें चीज़ देखने के पड़े तो बेकार है इसे लगना, ठीक है ना। कुल मिला के देखो पेंट जॉब बहुत अच्छा हुआ था, जो बात है एकदम बढ़िया। लेकिन अब जो यहाँ से लीक हो गया है, मतलब वो अस्टर्न सीन चला ना होली का, तो यही से पिचकारी बह गई इसकी। भाई साहब स्कूटी मैंने इसलिए नहीं ली थी कि मैं अपनी टंकी लेके जाऊंगा, मेरा मत्था ख़राब हो गया। खैर कोई बात नहीं, स्कूटी मेरे काम आ रही है, सारा पेट्रोल स्कूटी में डाल दिया। स्कूटी बड़ी खुश है आज, दो दो सौ तीन तीन सौ के पेट्रोल डलवाता था, उसके अंदर आज टंकी फुल है। फहीम भाई के पास ले चल रहा है टंकी को, और वहाँ ले जाकर देखेंगे भाई कि क्या होता है क्या नहीं, जैसा भी होगा बताऊँगा आपको। तो भाई मैं आ गया हूँ वॉशिंग सेंटर, यहाँ पे पहले टैंक को ना वॉश कराएंगे। वॉश कराने के बाद ही जो फहीम भाई हैं वो करेंगे उसमें वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग का जो प्रोसेस है ना वो वॉश कराने के बाद ही होगा। फहीम भाई ने चेक कर लिया, जैसा भी होगा वो कह रहे हैं कि मैं बना दूंगा टंकी को, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है यार, जब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों मैं रिस्क लूँ, है ना। तो फिलहाल ये सोचा है मैंने
कि इसको रिपेयर कराते हैं, पेंट करवाते हैं और वापसी लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से मैं प्रेशर दे रहा हूँ और यहाँ से पानी निकल रहा है, इट मीन्स कि ये यहाँ से लीक हो चुकी है और कहीं से लीक नहीं है, ठीक है जी। सुरेश भाई, हाँ सुरेश भाई आओ धो दो यार, मैं थोड़ी दूंगा, धो भाई। किस कदर निकल रहा है पानी यहाँ से, तो भाई तीन शैम्पू लेके आया हूँ, शैम्पू डालेंगे इसके अंदर और डालेंगे सरफ भी, सरफ भी डाल देना, ठीक है। और ये तीन शैम्पू डाल दिए इसके अंदर, उसके बाद देखो कैसा भवंडर सा निकलेगा इसके अंदर से, फुल झाग 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 झाग, और यहाँ से लीक है, यहाँ से इस साइड से लीक है, वो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ से लीक हो गया, ये बहुत तेरी शैम्पू का बवाल भाई साहब, विक्रम बेताल हो गया मामला। सिलेंडर किस लिए यूज़ कर रहे हो पहले बताओगे, घिसने के लिए हैं, फिर लीक तो नहीं होगा ना मामला। इसके अलावा ये यहाँ पे देखो दोस्तों, ये है छेद यहाँ पर, ऐसा करना जो पेंट बच जाए या थोड़ा सा नुकसान ना हो, कुछ हो सकता है या टंकी पेंट करानी पड़ेगी, थोड़ा सा जलेगा या थोड़ा बचाने कोशिश करो जितना होते है भाई। चल वहाँ पर आए, दिल दर्द यहाँ हो रहा दिल में, हाय हाय कसम से भाई झूठ नहीं बोल रहा, बड़ा दुख हो रहा है यार, सोचा नहीं था मेरी कैफ्रेसर में इतनी जल्दी ये कांड हो जाएगा। सिलेंडर की मदद से ना उन्होंने घिस तो लिया उसको, देखो चिकना कर दिया इसका सरफेस, दिखाना भाई, देखो दोस्तों ये है बारीक सा, दिख रहा छेद, ये पंचर हो गया है, पंचर लगाएंगे ये है भाई मई शक्ल दिख रहे मेरी भाई, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं है रखने लिए छोटू, कोई कपड़ा वपड़ा दे नीचे यार, कुछ कुछ ऐसा कर दो भाई, मेरे दिल पे छुरियाँ चल रही है तुम्हें पता नहीं है इस टाइम, भाई सही बता रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा, ग्राइंडर वहाँ चल रहा दर्द यहाँ हो रहा है तुझे पता है, हो जाएगा ये तो बात, इसे बोलते हैं बाइक लवर, स्प्लेंडर लवर नहीं हूँ मैं, बाइक लवर हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फहीम भाई ने ना इसको पीतल के टांका लगा दिया यहाँ पे पूरा इतने हिस्से में, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि भाई अब जब हीट आएगी तो देखो पेंट खराब हो गई होगा, लाजमी है, तो पेंट खराब हो चुका है, अब सलीम भाई के पास लेके जाएंगे, देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों टंकी का जो टांका लगाया है ना, पंचर लगाया है जो समझ लो, तो वो लीक वीक है नहीं, नहीं वहाँ से पानी दोबारा चेक डाल के ना चेक कराया, मतलब पानी को डाल के टैंक में इन्होंने चेक किया कि लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है जी। तो फिलहाल अब इस टैंक को लेके जाऊँगा, स्कूटी पर रख के, स्कूटी वॉश करा ली मैंने, ठीक है, ये बहुत गंदी हो रही थी, तो इस पर रख के ले जाते हैं सलीम भाई के पास और वहाँ पे जाकर देखते हैं, अगर वो आज करेंगे तो आज ही फिर इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, वरना फिर उनको देकर वो क्या कह रहे हैं वो सब बता के वीडियो एंड करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी वीडियो खींचनी नहीं है फिर, है ना। तो भाई सलीम भाई को मैंने टैंकी जो है ना वो हैंड ओवर कर दी है, ठीक है जी। अभी सीन ये है कि ये बोल रहे हैं कि अभी इनके पास दो गाड़ियाँ आ रखी हैं पीछे, देखो स्कूटी वगैरह पेंट हो रही है और एक दो पीस यहाँ पेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई कल आ जाओ सुबह मॉर्निंग में, तो फिर मॉर्निंग में जो है ना कर देंगे काम इसका। बुलेट वाले लौंडे मुझे पसंद नहीं आते भाई, सीरियसली भक्ति है नहीं, आवाज़ पतनी करती है। चलो खैर कोई बात नहीं, मेन मुद्दा ये है कि जो अभी इस टैंक की जो छिलाई विलाई होगी, मतलब मंजाई होगी, उसके बाद जब उस पर अस्तर उस्तर डल जाएगा, तो क्या है कि जो मेरे रिम है, रिम के अंदर जो हब के अंदर जो पेंट रखा है ना, वो सेम टैंक वाला पेंट है। तो सलीम भाई बोल रहे हैं कल बाइक को भी लेके आना होगा, तो वहाँ पर लेके जाएंगे जहाँ से ये पेंट परचेस करते हैं, तो वहाँ पर ना वो मैच वैच करेगा कि भाई किस तरीके से बनाना है, तो पेंट को बनाकर फिर वो टैंक पे अप्लाई होगा बेसिकली ये। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कर रखते हैं फिर, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड आर्ट राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। भाई थोड़ा सा ना मूड खराब सा हो गया, मतलब मैं अपनी बाइक से ना बहुत प्यार करता हूँ, मैं ट्रू बाइक लवर हूँ,
एक होते हैं कि सिर्फ एक बाइक को पकड़ कर रखते लौंडे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं हूँ कि बाइक लवर, मेरे को मशीन पसंद है, ठीक है ना। तो दिल दुखता है जब चीज़ें ख़राब होती हैं, तो बस दिल सा दुखा हुआ है। वैसे यार वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रहा और ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। चलो ठीक है, बाय।